क्या आप जानते हैं आपकी गाड़ी में सीट पर मौजूद हेडरेस्ट आपके सर रखने के लिए नहीं बल्कि एक्सीडेंट के समय गर्दन को टूटने से बचाने के लिए बनाया गया है। डॉक्टर्स हमेशा सफ़ेद और वकील हमेशा काला कोट ही क्यों पहनते हैं? कुएं तो आपने अक्सर देखे होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि वो हमेशा गोलाकार ही क्यों होते हैं? ऐसे ही मज़ेदार और रोचक फैक्ट्स के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए देखते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं अगर आप गूगल पर 24154390 टाइप करते हैं तो आपको गूगल के इमेज सर्च रिजल्ट में कुछ लोग अपना सर फ्रिज में डाले हुए दिखाई देंगे, आप आजमा सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं ओल्डियोनल लिंगाई दुनिया का एकमात्र ऐसा वोल्केनो यानी ज्वालामुखी है जिससे ठंडा लावा निकलता है, क्योंकि इससे निकलने वाले लावे में कार्बेनोटाइट होता है जो कि ठंडा होता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कुछ सौ साल पहले विक्टोरियन एरा में लोग फोटो खींचते समय से चीज़ नहीं बल्कि से प्रॉन्स कहते थे ताकि उनके चेहरे पर गंभीरता नजर आए, क्योंकि उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराबियों की पहचान समझा जाता था। शायद इसी वजह से प्राचीन काल में राजा महाराजाओं और प्रसिद्ध लोगों की तस्वीरों में हमें सिर्फ गंभीर भाव नजर आते हैं, मुस्कुराहट उनकी तस्वीरों से विलुप्त है, जो कि अच्छी बात नहीं है। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं मॉडर्न फिजिक्स की मदर कही जाने वाली नोबेल प्राइज विनर मैडम क्यूरी की मृत्यु का कारण उन्हीं की रिसर्च बनी, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर रिसर्च के दौरान उन्हें एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिविटी की वजह से एप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ तक कि उनकी किताबों कपड़ों को भी रेडिएशंस ने नुकसान पहुँचाया, जो आज सैकड़ों साल बाद भी रेडियो एक्टिव बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि 1500 साल बाद उनका रेडिएशन ख़त्म होगा। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा बच्चा भी मौजूद है जिसका वजन रोजाना 2-4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो तक बढ़ जाता है। घबराइए मत, हम इंसान के नहीं ब्लू व्हेल के बच्चे की बात कर रहे हैं। जी हाँ, उसका वजन रोजाना 90 किलो तक बढ़ता है। है ना मज़ेदार और वजनदार फैक्ट है, तो इस बात पर वीडियो को लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं प्याज काटते समय च्युइंगम चबाने से आपकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्याज से निकलने वाली गंध च्युइंगम की वजह से डिफ्यूज हो जाती है और इस दौरान हम नाक से नहीं बल्कि मुंह से सांस ले रहे होते हैं, जिससे कि हमारी टीयर ग्लैंड्स प्रभावित नहीं होती हैं और हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। तो इसे ज़रूर आजमा के देखें। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं 25 दिसंबर 1914 को जब प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पर था और दोनों सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी थी, उस समय एक दिन अचानक सेनाओं के बीच युद्ध थम सा गया और दोनों तरफ के सैनिकों ने साथ बैठकर खाना खाया और आपस में फुटबॉल मैच भी खेला। इसके बाद दूसरे दिन वापस से उसी तरह से युद्ध शुरू हो गया। दरअसल ये ईसा मसीह का जन्मदिन यानी क्रिसमस था। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कुआं हमेशा गोल ही होता है? पर ऐसा क्यों होता है? दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोलाई में कंक्रीट की पकड़ मजबूत होती है, क्योंकि हर एक हिस्से पर बराबर प्रेशर पड़ रहा होता है जो उसे और मजबूत बनाए रखता है, और गोल होने की वजह से ही कुएं की मिट्टी धंसती नहीं है। अगर कुएं को चौकोर बना दिया जाए तो उसके धंसने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और उसके कंक्रीट की मजबूती भी कम हो जाएगी। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं वकील हमेशा काला कोट पहनते हैं? खैर ये तो सभी जानते हैं, पर शायद ये नहीं जानते होंगे कि वो काला कोट क्यों पहनते हैं। दरअसल 1327 में जब एडवर्ड तृतीय द्वारा वकालत की शुरुआत की गई तो वकील उस समय सुनहरे लाल रंग के कपड़े और भूरे रंग का गाउन पहनते थे। उसके बाद सन 1600 में ये सोचा गया कि वकील काले रंग का लंबा कोट पहनेंगे जो उनकी पहचान होगा। इसके बाद काले रंग के चलन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण किंग विलियम्स को माना जाता है, क्योंकि जब सन 1694 में किंग विलियम्स की बेटी क्वीन मैरी की मृत्यु हुई तो उस समय उनके पिता यानी किंग विलियम्स ने सभी वकीलों को काला गाउन पहनकर इकट्ठा होकर शोक प्रकट करने के लिए एक ऑर्डर जारी किया, जिसके बाद उसे कभी वापस ही नहीं लिया गया और काला कोट हमेशा के लिए वकीलों के पेशे की पहचान बन गया।
फैक्ट नंबर वन, क्या आप जानते हैं डॉक्टर हमेशा सफ़ेद कोट ही क्यों पहनते हैं? वैसे तो आधुनिक सफ़ेद कोट यानी एप्रन को सन 1889 में डॉक्टर जॉर्ज आर्मस्ट्रांग द्वारा पेश किया गया था। ये सफ़ेद कोट हमेशा से ही डॉक्टरों की पहचान का पर्याय रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स अपना ज़्यादातर समय हॉस्पिटल, लैब और मरीजों के बीच बिताते हैं, जहाँ वो ब्लड जैसे फ्लूड, मेडिसिन और लैब में मौजूद केमिकल्स के संपर्क में होते हैं, जो कपड़ों पर लगने से इन्फेक्ट होने का खतरा रहता है। इसीलिए सफ़ेद रंग में किसी भी चीज़ को आसानी से देखा जा सकता है और कपड़े को तुरंत चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा चूँकि वाइट कलर क्लीननेस यानी सफाई को दर्शाता है, साथ ही दिखाता है कि डॉक्टर्स किसी भी तरह के इन्फेक्शन और बीमारियों से परे हैं और उनसे लड़ सकते हैं। इसके अलावा सफ़ेद रंग हॉस्पिटल्स के तनावपूर्वक माहौल में मरीजों को सफाई, शांति, भरोसे और पॉजिटिविटी का एहसास कराता है। इसके अलावा ये कोट मुश्किल भरी डॉक्टर्स की दुनिया में उनकी पहचान का भी प्रतीक होता है, जो उनको मरीजों और समाज के बीच अलग पहचान दिलाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, शहीदों को सलाम। मिलते हैं अगले वीडियो में।